फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स एंड गाइस। हम लोग आज बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक नेम ड्यूलिटी एंड ड्यूल एक्सप्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। यह देखिए, ड्यूल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। ट्रू एक्सप्रेशन आर कॉल्ड इक्वालेंट ओनली वेन बोथ आर इक्वल टू वन और इक्वल टू जीरो। टू एक्सप्रेशन आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर इफ वन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वन व्हाइल द अदर इज इक्वल टू जीरो। उसी टाइप के यहाँ पे देखिए, एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूल एक्सप्रेशन और कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग ड्यूल एक्सप्रेशन क्या होता है। Those expression which the change all dot sign into plus sign and all plus sign into dot sign and ones are changed into zero and zero into one. In this way we get final expression is called dual expression. मतलब हम लोग जो भी चीज है, अगर जहाँ पे डॉट रहेगा उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट करेंगे और प्लस रहेगा वहां हम लोग डॉट में कन्वर्ट करेंगे, वन रहेगा उसको जीरो में, जीरो रहेगा वहां पे वन में कन्वर्ट करेंगे। ये किसका रूल है? ड्यूल एक्सप्रेशन का। जैसे मैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द ड्यूल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर वन, एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट जेड प्लस जीरो, द ड्यूल ऑफ द एवर बुलियन एक्सप्रेशन। जीरो प्लस एक्स डॉट एक्स वाई कम्प्लीमेंट प्लस जेड डॉट वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसी टाइप के क्या दिया हुआ है, द ड्यूल ऑफ द एवर बुलियन एक्सप्रेशन। जीरो प्लस यहाँ पे देखिए वन है ना, वन को हम लोग जीरो में चेंज कर लिए, डॉट को प्लस में, एक्स को एक्स ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, तो हम लोग डॉट में कन्वर्ट किए, फिर वाई को वाई ही रहने देते हैं, यहाँ डॉट है तो प्लस और जेड, फिर यहाँ पे प्लस है डॉट और जीरो को वन। उसी टाइप का हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग जैसे में देखिए क्या किए, हम लोग डॉट में अगर हम लोग रहेगा डॉट टू डॉट मतलब एंड ना, टू चेंज प्लस क्या में, प्लस में। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग प्लस को टू चेंज डॉट। ठीक है, और हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग जो वन रहता है, वन टू चेंज जीरो में। ठीक है, जीरो में, और जीरो को चेंज करेंगे वन में। ठीक है, ये देखिए डॉट को चेंज करेंगे प्लस में, प्लस को चेंज करेंगे डॉट में, वन को चेंज करेंगे जीरो में और जीरो को चेंज करेंगे वन में। ये चीज है। ठीक है, उसी टाइप का हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, देखिए टू फाइंड द ड्यूल एक्सप्रेशन। ठीक है, ड्यूल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए
इस टाइप का क्वेश्चन है, मान के चलिए कैपिटल एक्स वाई प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट प्लस 01, ठीक है, नहीं एक्स वन, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए आंसर लिखेंगे हम लोग इसका, देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स वेरिएबल को हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, बस जहां पे डॉट रहेगा वहां प्लस प्लस रहेगा, डॉट वन रहेगा, जीरो जीरो रहेगा, वन, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस डॉट, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स कंप्लीमेंट वाई, एक्स प्लस वाई कंप्लीमेंट, फिर डॉट एक्स प्लस वन, ठीक है ना, तो ये चीज है, ऐसे हम लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे, अगर कोई भी डाउट होगा हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखें हम लोग नेक्स्ट थ्योरी में देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरी क्या है, नेक्स्ट थ्योरी में हम लोग चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन, क्या है कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन, इन विच दोज एक्सप्रेशन विच द चेंज ऑल डॉट साइन आर इनटू प्लस साइन, डॉट साइन को हम लोग चेंज करते हैं प्लस साइन में, एंड ऑल प्लस साइन इनटू डॉट साइन में, एंड वंस आर सेन इनटू जीरो, ऑल जीरो इनटू वंस, ऑल द लिटरल आर कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब लिटरल और कॉम्प्लीमेंटेड मतलब ये डैश होना चाहिए, उसी टाइप के यानी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, देखिए ठीक है चेंज होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवर एक्सप्रेशन विल बी जीरो, देखो वन को जीरो, डॉट को एक्स, ठीक है, प्लस वाई को चेंज कर दिए हम लोग नॉर्मल में, प्लस जेड को चेंज कर दिए कॉम्प्लीमेंट में, डॉट प्लस को डॉट में, जीरो को वन में। अब देखिए कॉम्बिनेशनल ऑफ लॉजिक, कॉम्बिनेशनल ऑफ लॉजिक क्या है, यहां से हम लोग देखेंगे, यहां देखिए, देखिए कॉम्बिनेशनल और लॉजिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक होते हैं, कितना टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। अब कॉम्बिनेशनल लॉजिक डील विद द टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग, क्या है इसका डील है, कंबाइन करने के लिए सम डिजाइन द फंक्शन, इफ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एट एनी टाइम द लॉजिक लेवल एट द आउटपुट डिपेंड ऑन द करेंट इनपुट, किस पे डिपेंड करता है, जो करेंट इनपुट हो, ए कॉम्बिनेशनल सर्किट हैज नो मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट्स व्हाइल इट्स आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करेंट वैल्यू ऑफ इट इज द इनपुट्स, कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शन कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाई ए ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ऑफ फंक्शन टेबल, सो आउटपुट ऑफ फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एनी एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, द ट्रूथ टेबल हैज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट एंड वन कॉलम फॉर द आउटपुट, ठीक है, द ट्रूथ टेबल स्पेसिफाई द कॉम्प्लीमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ डिजिटल फंक्शन, जैसे देखिए देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक होते हैं, एसओपी और पीओएस, एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, अब देखिए यहाँ पे जो है, देखिए एसओपी क्या होता है, ए सम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोडक्ट टर्म बाय लॉजिकली एडेड, ठीक है, ए प्रोडक्ट टर्म इज लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, द वेरिएबल में और मे नॉट बी कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है, इट इज लॉजिकल और ऑफ मल्टीपल एंडेड टर्म, इट इज ऑरिंग
ऑफ एंडेड फंक्शन। एग्जाम्पल जैसे में y इक्वल टू एक्स वाई क्या है, देखिए मल्टीपल एडेड है और है, ठीक है, प्लस फिर x कम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट। उसी टाइप के फिर देखिए क्या है POS के फॉर्म में, जस्ट इसका अपोजिट, देखिए ए प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन सम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सम टर्म बाय लॉजिकली मल्टीप्लाई, ए सम टर्म इज द लॉजिकल एडिशन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, द वेरिएबल मे और मे नॉट बी कम्प्लीमेंटेड, इट इज एडिंग ऑफ ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल x प्लस वाई कम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड y प्लस जेड, ठीक है। अब उसी टाइप के हम लोग देखिए कैनोनिकल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ज्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है।